और फ्रॉक्स के लिए एक्सेसरी बनाना सिखाएंगे। ये हम पैचेस से बना रहे हैं, देखिए इस तरह के हमने पैच लिए हैं इसके लिए। अगर आपको इस तरह के पैच मार्केट में नहीं मिलते तो हम आपको लेस के साथ इस तरह के पैच बनाना सिखाएंगे। उसके बाद हमने एक्सेसरी कैसे बनानी है हम उसके बारे में बताएंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको मिलती रहें। आइए हम वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने इस तरह की गोल्डन लेस ली है, देखिए इसके साथ हम नीडल में हमने धागा डाल लिया है। अब ऊपर की तरफ से हम पहले कच्चा करेंगे, इस तरह से कच्चा करना है, देखिए बारीक बारीक कच्चा करते जाइए थोड़ा थोड़ा दूरी पर। आपको जितना बड़ा फ्लावर चाहिए लेस की उतनी लंबी लंबाई आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग उसे कट कर लीजिए और इसे पूरी एक साइड से कच्चा कर दीजिए। कच्चा करने के लिए देखिए हमने एक साइड से नीडल डाल दिए, पीछे से निकाली है। इसी तरह से पूरी जितनी भी लेस की लंबाई है उसमें हम पूरी साइड पे कच्चा कर देंगे। देखिए हमने ये कच्चा कर लिया है, ये हमने इंची टेप से नाप के 10 सेंटीमीटर तक कच्चा कर लिया है। इसके बाद देखिए हमें जितनी फ्लावर की लेंथ चाहिए थी उसके अकॉर्डिंग तो हमने इस पे काम कर लिया है। अब ये जो धागा है इसको हम खींच देंगे, एक तरफ से जब आप इस खींचेंगे तो इस तरह से देखिए इसमें कर्ल्स आ गए हैं, ये राउंड शेप में एक फ्लावर बन गया है। अब आप लेस को बाकी की जो बची लेस इसे कट कर दीजिए। कट करने के बाद जो धागा दोनों साइड पे है उसको और टाइटली खींच के नोट लगा दीजिए। नोट लगाने के बाद देखिए इसे हम उल्टा करके दूसरी साइड से जहां पर लेस हमने कट करी है वहां से कच्चा कर देंगे ताकि लेस के धागे ना निकले और इसे कट कर देंगे। देखिए आगे से फ्लावर इस तरह की शेप में आया है। अब आप इसके सेंटर में कोई भी स्टोन या मोती पेस्ट कर दीजिए, अगर चाहे तो सुई धागे के साथ भी लगा सकते हैं। इस तरह का हाफ पर्ल मोती सेंटर में लगा दीजिए। ये देखिए एक फ्लावर का पैच का लुक आ जाए। फ्लावर तो हमारा रेडी हो गया है, आप चाहे तो उसकी जगह पे ये पैच भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह के पैच मार्केट में नहीं मिलते तो आप ये वाला जो हमने फ्लावर घर पे बनाया है ये यूज कर सकते हैं। देखिए इसकी लुक सेम ऐसी ही आ रही है पैच की तरह। अगर आपको ये नहीं मिलता तो आप घर पे इस तरह के फ्लावर रेडी कर लीजिए और पैच की जगह इस तरह के दो फ्लावर लगा सकते हैं। हमने यहाँ ये पैच का यूज कर रहे हैं और इसके साथ हम इस तरह की जर्कन ले रहे हैं, ये थोड़े मोटे नग वाली जर्कन है। इसको हम डबल करेंगे, इक्वल कर लीजिए दोनों को इक्वल करके। अब हम इसे पैच के नीचे रखते हुए दोनों साइड से इस तरह से पैच के नीचे रखते हुए नीचे से सुई धागे के साथ अटैच कर दीजिए। नीचे यू की शेप देनी है इस तरह से नीचे, ये देखिए इसके पीछे बुकरम लगी हुई है हल्की सी, सुई धागे के साथ दोनों तरफ से अटैच कर लीजिए। देखिए इस तरह पीछे से हल्का हल्का धागा लेते हुए इन दोनों को एक साथ धागे पे टांका लगा दीजिए। देखिए एक साइड अटैच हो गई है इस तरह से आएगी। इसी तरह अब दूसरी साइड पे भी फ्लावर रखते हुए इसे भी पीछे से इसी तरह टांका लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से ये बन गया है। अब इसके पीछे हम चाहे तो इसे आप नीडल के साथ अपने ड्रेस के ऊपर अटैच कर लीजिए अगर आप इसको अलग ही रखना चाहते हैं। कमेंट करके बताइए अगर आप कुछ और भी सीखना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।